मैंने एक पाव फूलगोभी लिया, इसको धो के अच्छी तरह साफ करके खुशक करके रख लिया। पहले इसको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ था, जब इस को 5 मिनट तक डिप करके रखना, तो फिर इसको पानी से निकाल के अच्छी तरह धोकर साफ करके खुशक करना। अच्छे से खुशक करके इसको अब हम कद्दूकस कर लेंगे। तो देखें, ये हमारी गोभी अच्छे से कद्दूकस हो चुकी है। अब हम अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेके इसको भी गोभी के अंदर ही कद्दूकस कर लेंगे, ये आराम से कद्दूकस हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकती तो फिर आप पिसा हुआ अदरक भी डाल सकते हैं। गोभी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया, साथ ही अदरक इसके अंदर डाल दिया। अब घी में तैयार कर स्टफिंग के लिए अब हम फ्राई पैन एक लेते हैं, उसके अंदर ये 2 टीस्पून हमने ऑयल डाल दिया। जैसे ही तेल गर्म होता है, हमारा तेल गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम जीरा डालेंगे 1/2 टीस्पून। ये जीरा चला गया, हम इसको अच्छे से भूनते हैं, हल्की आंच पे जीरा भून लेंगे। जीरा हमारा हल्की आंच पे भून चुका है। अब ये 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन डालें, मामूली सा। अगर आपको पसंद है तो डाल लें, नहीं पसंद तो ना डालें। अब हम इसके अंदर ये अपनी गोभी डाल दें, ये सारी के लिए फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर ये 1/2 टीस्पून दादर किया हुआ ये सूखा धनिया डालें, ये भुना हुआ पिसा हुआ दादर किया हुआ ये हम जीरा डालेंगे, ये अनारदाना 1 टीस्पून हमने भुगो के रखा हुआ था, इसको अच्छे से साफ करके भुगो के जब ये ऐसे हो जाए बीक जाए तो फिर ये भी डालें। 1/2 टीस्पून ये हम डालेंगे चाट मसाला, ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर देना। इसको ज़्यादा नरम नहीं करना, बस थोड़ा थोड़ा ही भूनना है। जब इसका पानी खुशक हो जाए तो फिर इसको उतार देना। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इस स्टफिंग के अंदर अब हम ये प्याज, थोड़ा सा प्याज काटा हुआ है आमलेट की तरह काट के वो डाल दिया हमने, ये 2 हरी मिर्चें डाल दी, ये धनिया डाल दिया, ये सब डाल के ये हरा धनिया डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पे आके हमने 1 टीस्पून ये नमक डाला, कभी को सिर्फ 2-3 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, ताकि गोभी हमारी नरम ना हो जाए। चलाते रहें चम्मच, हमारी गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं ठंडा होने के लिए, फिर पराठे बनाने की तरफ चलते हैं। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसके पराठे बनाते हैं। इसको ढक के नहीं पकाना, खुला रख के पकाना है। अब हम पेड़े करते हैं। ये मैंने लिया एक पेड़ा, इसको ही ये मैं एक पेड़े में बनाऊंगी। मैं हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ऐसे, हाथ की मदद से ये फैला देना इसको, ये थोड़ा आटा लगा के इसको बेल लेंगे पेड़े के अंदर। ये हमारा पेड़ा तैयार हो चुका है, दूसरा पेड़ा लेते हैं। दो पेड़ों में बना के यही हूँ साइड से ऐसे कर देना ताकि अच्छे से बन जाए। पहला जो पेड़ा किया था उसको बेलते हैं। अब हम रोटी साइड पे थोड़ा थोड़ा घी लगा देते हैं।
पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसको प्लेट में, ये हमने दूसरा पराठा भी बेल लिया, इसकी शेप यूँ मैंने बनाई। अब इसको डालते हैं। तो लीजिए, ये हमारे गोभी के पराठे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप भी ट्राई करें, घर वालों को खिलाएं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।